एमआरडीसी पुलिस थाना अंतर्गत एक गुमशुदगी की घटना आके आई थी, जहां गुमशुदा की पत्नी ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई, लेकिन 3 दिनों बाद वह व्यक्ति खुद ब खुद घर लौटा, जहां उसने अपनी आपबीती बयां की, जिसके चलते राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबल संगठन के अध्यक्ष विजय पटले ने ऐसी घटनाओं में उचित कार्रवाई करने की अपील पुलिस आयुक्त से की है। दरअसल 21 अक्टूबर को भीमनगर निवासी 45 वर्षीय लव किशोर ठाकरे गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन के लिए निकले थे, लेकिन उसके बीच लोहापुल क्षेत्र में आते ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें कुछ सुंगा दिया, जिसके चलते वह बेहोश हो गए। लेकिन जब होश में आए तो देखा कि उनके पास के सभी पैसे एवं सामान चुरा लिया गया है, और फिरियादी ने खुद को किसी जंगल में बंधा हुआ पाया, जहाँ से लव किशोर विकट प्रयासों के बाद जंगल से छूटने में कामयाब हुए। इधर परेशान पत्नी ललिता लव किशोर ठाकरे ने लव किशोर की गुमशुदगी की प्राथमिकी एमआरडीसी पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज कराई। गौरतलब है कि लोहापुल और सीताबर्डी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं बड़ी मात्रा में घटित हो रही है। लव किशोर एक लेबर काम करने वाला सामान्य व्यक्ति है, जिसके चलते राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर संगठन के अध्यक्ष विजय पटले ने ऐसी घटनाओं में उचित कार्रवाई करने की अपील पुलिस आयुक्त से की है। बहरहाल दिन ब दिन बढ़ते धोखाधड़ी के मामले में यह विषय चिंतनीय है। सभी को मेरा नमस्कार। आज जो घटना घटी है नंद किशोर ठाकरे के साथ, जो ये गांव के निकले थे और रास्ते में अपना बर्डी पहुंच के किसी ने इनको कुछ सुंगाया या खर्रा खिलाया, इनको बेहोश किया, जंगल में ले जाके इनके साथ पैसे लूट लिए, उसके बाद वहाँ जंगल में बांधे, इनने कैसे भी अपनी रक्षा के लिए छोड़ा है, अपने आप को छोड़ के आए और 2 दिन के बाद 2 नाइट रोडों पे सोए, तीसरे दिन घर पहुंचे हैं भूखे हालत में, पूरी हालत खराब थी। हम दूसरे दिन आज इनके परिवार से मिलने के लिए आए, इनके घर पे आए, हमने इनसे मुंह जुबानी इनकी बयान सुने। तो मेरा ऐसा कहना है कि ऐसे हादसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो मैं आज हमारे महाराष्ट्र के कलेक्टर साहब, नागपुर के कलेक्टर साहब और हमारे कमिश्नर साहब से निवेदन करता हूं कि हर थाने में यह न्यूज पहुंचेगी और हर टीवी में दिखाए कि आप जहां पे भी हमारे लेबर आज कमाने के लिए बाहर से आ गए हैं पर उनको सुरक्षित नहीं है, आज एक जा रहे हैं कोई तो मार दिया गया है, कोई बच के आया है, कोई भूखे पासे में मार दिए, कोई जंगल में बांध दिए, ऐसे हादसे हमारे लेबरों के साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। तो मेरा ये कहना है कि आप इसको गंभीरता से लेके इस केस को उठाए, जो भी मदद लगती है आज राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन भी आपके साथ देगा, पूरे पुलिस वाले को साथ देगा, आप हमें साथ दीजिए, हम आपको साथ देंगे, और जो भी ऐसे ये गलत काम कर रहा है, ये जुल्म कर रहा है, इसको पूरे फांसी की सजा तक के लेके जाएंगे, कटघरे तक के खड़ा करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि आज एक के साथ हुआ, कल कितने के साथ हो रहा है ये किसी को पता नहीं, कोई बता रहा है कोई नहीं बताता, कोई बोलते कि घर के आदमी मेरा आ गया मैं सुरक्षित हो गई, पर कल को अगर दूसरा आदमी जाता है वो फंस जा रहा है तो उसके लिए क्या। तो इसके लिए हमें अब उठना पड़ेगा, इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जो इनके साथ हुआ है, जिसने इनके साथ ऐसा गलत किया है और देखे गया है, आज 9,000 रुपये इस गरीब के चले गए, 3 महीने की कमाई चले गई इनके साथ, इनका बहुत बड़ा दुख हो गया, इनके परिवार पालने का बहुत बड़ा दुख होता है, तो ऐसे परिवार को हम साथ देना चाहिए और हम लोग पूरा शायद देके इस केस को आगे लेंगे कि कौन ऐसा ये गिरोह काम करता है, ये गिरोह को ऊपर लेने ही पड़ेगा। अभी हम पूरे टीम के साथ राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टर यूनियन की टीम यहाँ पे पहुँची, हमारे ठाकरे जी से मिली, उनके परिवार से मिली, उनसे बात चर्चा किए, तो हमें बहुत गंभीरता से ऐसा दुख भरा हो रहा है कि ऐसे आज हम लोग इतने जागरूकता रहने के बाद भी आज हमारे लोग आज जो मुसीबत में बीत रहे हैं इनको साथ नहीं दे सक रहे, तो हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है इस चीज के लिए। तो मेरा कहना है प्रशासन से कि भी आप हमें साथ दीजिए, हम आपको साथ देंगे, जहाँ भी हमारी मदद लगती है तो आप हमें बोलिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और हम जहाँ आपको बुलाते हैं तो आप प्लीज हमें कॉपरेट कीजिए, और ये जो मुजरिम है उन्हें पकड़ के लाना बहुत जरूरी है। एनबीसी न्यूज के लिए मनीष टेमरी की रिपोर्ट।